हाय दोस्तों, ये मेरा ओला S1 स्कूटर है जो 3 दिन से पार्किंग में खड़ा है। एक प्रॉब्लम आया है अलग टाइप का, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब जब हम स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाते हैं तो वो सिर्फ पार्किंग मोड में ही रहता है, स्टार्ट मोड में जाता ही नहीं है। एक बार हम करके देखते हैं। अभी एक खड़ा है, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल देता हूँ। जो स्टैंड है उसको भी मैं ले लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। और क्लोज करने के बाद अभी ये पार्किंग मोड में हमें चलाने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ब्रेक को दबाते, होल्ड करते, मतलब मैंने ब्रेक को, ये देखो मैंने ब्रेक को होल्ड किया, ये होल्ड हो गया ब्रेक। उसके बाद मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब डिस्प्ले कोई भी टाइप का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं बिना ब्रेक का स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, कि वो कहेगा, मैसेज आएगा होल्ड दी ब्रेक। बट या तो मैं स्टैंड के साथ स्टार्ट करूँगा, अगर मैंने स्टैंड खोल दिया है, देखो स्टैंड खोल दिया और मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो भी वो शो करेगा। स्टैंड खोल दिया, ब्रेक होल्ड करूँगा और स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो कहें तो मैसेज आ गया क्लोज पार्किंग स्टैंड। बराबर, मतलब कि सब चीज़ें काम कर रही हैं। मतलब स्टैंड अगर खुला है तो भी वो इंटीमेशन देगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे ब्रेक होल्ड करके प्रेस करेंगे तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब स्टार्ट ही नहीं रहा। पार्किंग मोड में ही रहता है, पार्किंग मोड में से राइडिंग मोड में आना चाहिए लेकिन राइडिंग मोड में नहीं आ रहा। मतलब ये 3 दिन से खड़ा है, चल नहीं रहा। ठीक है, मैंने कल दोपहर के बाद से कस्टमर केयर में बात करने की कोशिश की, उसके बंदों से पूछा, लेकिन कोई भी अभी तक मुझे वहाँ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला। फर्स्ट तो जो इसके अंदर उसका जो एक नंबर आता है कस्टमर के कस्टमर सपोर्ट, तो उस नंबर पे तो कोई आंसर ही नहीं मिला। वो कंप्यूटर वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात थी, एक दबाओ दो दबाओ वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी से मुझे बात नहीं मिली। और उसका जो यहाँ का जो लोकल होता है उसके साथ भी मैंने बात की थी, लेकिन किसी के साथ सही तरीके से बात नहीं हो पाई। एक बंदा कुछ आउट ऑफ कवरेज था, दूसरे ने कहा कि आप कॉल सेंटर पे कस्टमर केयर पे कंप्लेन लिखवा दीजिए वगैरह वगैरह। फिर जाके मैंने मेल डाला, तभी उसका कुछ मेल से ही जवाब आया, मतलब अभी तक किसी का फ़ोन या कुछ नहीं आया। वैसे तो 3 दिन से बंद था गाड़ी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था तो मैंने कल से ही उसको ट्राई की। और बात एक देख लेते हैं कि चार्जिंग कंडीशन क्या है। तो उसका चार्जिंग पे वो भी सही तरीके से है, मतलब देखते हैं कि मैंने पूरा फुल चार्ज किया था। फुल चार्ज करने के बाद मैंने 10 या 15 किलोमीटर कुछ चलाया था, मतलब 80% कुछ बैटरी थी। और 2 दिन मुझे कुछ काम नहीं था तो वैसे ही पार्किंग में खड़ा था स्कूटर। तो 2 दिन के बाद जब मैंने गाड़ी लेके स्टार्ट किया तो जब मैंने देखा कि पासवर्ड डाला तो अनलॉक हो गया, लेकिन अनलॉक के बाद कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, स्टार्ट नहीं हुआ। बैटरी भी हम दे सकते हैं, 74% बैटरी चार्ज है, मतलब बैटरी चार्जिंग वाला भी कुछ इश्यू नहीं है। तो बस यही बात थी, मैंने सोचा देखते क्या होता है आगे। ठीक है।
मैंने रिबूट करने की भी कोशिश की थी, ऐसी कंडीशन में मैंने सुना था कि शायद रिबूट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रिबूट हुआ ही नहीं। रिबूट की जो प्रोसेस थी, दो बटन होल्ड करना 5 सेकंड के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन रिबूट भी नहीं हुआ। इसलिए अभी तो उसका टेक्नीशियन स्टाफ ही कुछ कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट बटन दबाए, वो लाल वाला बटन, ओके छोड़ दीजिए। अब वो जो स्टैंड है वो ऊपर ले लीजिए, नीचे का स्टैंड, ओके। अभी एक ब्रेक को दबाना है, दबा के रखना है, ये दोनों ब्रेक है, इसको दबा के रखना है, किसी को कहाँ, इसको दबा के रखिए और लाल वाला बटन दबाइए, इसको दबा के रखिए, हाँ, और लाल वाला बटन एक बार प्रेस करिए। अच्छा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ओके। अब सिर्फ वो बटन दबाइए, हाँ, सिर्फ बटन ही दबाओ,